नमस्कार, मैं कैप्टन साक्य हिंद मॉडल स्कूल के डिजिटल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है। पहचान इस प्रकार है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। आई मीन टू से दैट, जिस टेंस के वाक्य में वर्तमान समय में काम का समाप्त होना पाया जाता है, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। चलिए अब फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज और हैव हेल्पिंग तौर के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट उसके बाद में अदर। यदि सेंटेंस के लास्ट में कुछ बचता है तो वो अदर की कैटेगरी में रख दिया। एग्जांपल देखिए, रमेश एक कार खरीद चुका है। देखो, रमेश एक कार खरीद चुका है या रमेश ने एक कार खरीद ली है, एक ही बात हुई, क्योंकि वर्तमान समय में काम का समाप्त होना पाया। सेंटेंस बनेगा रमेश हैज बॉट अ कार। क्योंकि रमेश सिंगुलर है तो इसके लिए है जाएगा, एक वचनकर्ता के साथ सहक्रिया हैज, बहुवचनकर्ता के साथ सहक्रिया हैव का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर। तो रमेश हैज बॉट अ कार। दूसरा सेंटेंस, आपने मुझे पढ़ा दिया है। ये सेंटेंस बना हुआ है यू हैव टॉट मी। यू चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज किया गया। मैं चाय पी चुका हूँ या मैंने चाय पी ली है, एक ही बात होती है। आई हैव टेकन टी। कहने का मतलब है, आई के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग किया जाता है, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है आई के साथ। अब हम आपको 1 to 6 सेंटेंस के बारे में बताएंगे। मेरा मानना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, 1 to 6 जब सेंटेंस हम कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी टेंस के, तो लगभग टेंस कंप्लीट होने के कगार पे आता है। उसका मतलब मैन जो मोटिव होता वो हो जाता कि। तो देखिए, आपने अपना काम कर लिया है, पहला सेंटेंस है यू हैव डन योर वर्क। अब यहाँ पे हमने अपने की अंग्रेजी योर लगाई है, क्योंकि सब्जेक्ट की अवॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी आती है। यू है तो योर आ जाएगी, आई है तो माय आ जाएगा, सी है तो हर आ जाएगा, इस तरह से अपने की अंग्रेजी आ जाती है। तो यहाँ पर हैव जो आया वो प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से आया। नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्क पे आना, बाद में नोट आता है यू हैव नॉट डन योर वर्क। प्रश्नवाचक में जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है तो उसके लिए कभी भी क्वेश्चन वर्ड व्हाट का प्रयोग नहीं होता, बल्कि टेंस के सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब चल रही होती है उसको लगाते हैं। यहाँ पे चूंकि हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब चल रही है, तो यहाँ पे यू के अनुसार हमें हैव लगानी होगी। तो यहाँ पर देखिए, हैव यू डन योर वर्क क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द के बाद नॉट लगेगा, हैव यू नॉट डन योर वर्क क्वेश्चन मार्क। फिर जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आएगी। तो यहाँ पर हमने हिंदी के तौर पे अपनाया है, आपने अपना काम कब कर लिया है, कब जोड़ा है, मतलब वेन जोड़ना है आपको। तो वेन हैव यू डन योर वर्क क्वेश्चन मार्क, वेन हैव यू नॉट डन योर वर्क क्वेश्चन मार्क। इस तरह से मैंने 1 to 6 सेंटेंस आपको करके दिखाया। अब हम आपको वर्ब गेट के बारे में बताएंगे। गेट का देखो यूज है ना, कई तरीके से किया जाता है। गेट का मतलब होना के अर्थ में भी होता है सर, लगना के अर्थ में भी किया जाता है, और प्राप्त करना के अर्थ में भी किया जाता है। तो हम इसकी जो फॉर्म होती है, वर्ब की जो फॉर्म होती है गेट की, गेट गोट गोट, या फिर गेट गोट गोटन भी यूज कर सकते हो। मतलब कि थर्ड फॉर्म के रूप में गोट का भी यूज कर सकते हो, गोटन का भी कर सकते हो, एक ही बात है। चलिए अब हम गेट के यूज को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, मम्मी को खांसी हो गई है, तो देखो मदर जो है ना, तो सिंगुलर है, मदर हैज गोट कफ। अब गोट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ये होने के अर्थ में है। अगला सेंटेंस, सुमन के चोट लग गई है, सुमन हैज गोट हर्ट। अब यहाँ पे सुमन सिंगुलर है, एक वचन है, तो हैज का प्रयोग किया गया है। मुझे एक पत्र मिल गया है, आई हैव गॉट अ लेटर, मुझे एक पत्र मिल गया है। तो आई के साथ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है जैसे कि हैव का यूज होता है।
इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप समझेंगे आप। तो देखिए, जब भी प्रश्नवाचक वाक्य में बीच में कौन हो तो उसके लिए हमें हु लगाना होता है। तो हु से रिलेटेड सेंटेंस हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, भोजन कौन पका चुका है। इसका मतलब ये कि भोजन किसने पकाया है, कौन पका चुका है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा। ये जो कौन शब्द है, ये एक तरीके से सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और प्रश्नवाचक शब्द का भी काम कर रहा है। इट मीन्स दोनों का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हु की अंग्रेजी आएगी हु, और इसको सिंगुलर माना जाता है, हु हैज कुक्ड फूड क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस क्या कहता है, भोजन कौन कौन पका चुका। देखिए डिफरेंस, इसमें इस बार दो कौन कौन आए हुए हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में सिर्फ एक बार कौन आया था। जब प्रश्नवाचक शब्द कौन का प्रयोग डबल बार हो तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट वाली लगानी होती है, हमेशा याद रखना, भूलना नहीं। तो कैसे बनेगा, हु हैव कुक्ड फूड क्वेश्चन मार्क। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे द्वारा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड बताया गया वो आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे और पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको 100 out of 100% समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।